नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त तो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर के बल्दी राय में सादुल्लापुर गांव के रहने वाले परवेज हुसैन की जमीन पर ग्राम प्रधान ने खंजा लगवा दिया, जिससे पीड़ित खासा परेशान है। अमेठी के गौरीगंज थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। अमेठी की मुंशीगंज थाना पुलिस और आबकारी टीम ने 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी के भवानी नगर में दबंग युवक ने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते आगे की जांच शुरू कर दी है। अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पालपुर में बंजर जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर प्रधान प्रतिनिधि ने नाराजगी जाहिर की है। आरोप है कि इस मामले में राजस्व कर्मियों ने दो तरह की रिपोर्ट लगाई है। अमेठी की गौरीगंज थाना पुलिस ने मुमताज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से एक तमंचा, एक कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। लखीमपुर खीरी के रामापुर सदर कोतवाली क्षेत्र में गरीब के मकान की भूमाफियाओं ने देर रात दीवार गिरा दी और दरवाजा उठा ले गए, जिससे पीड़ित खासा परेशान है। लखीमपुर खीरी में फेसबुक पर पत्रकारों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले शख्स को पुलिस गिरफ्तार करेगी। आपको बता दें कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जौनपुर की मीरगंज थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रामलाल सरोज को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। जौनपुर की खुटन थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।